हरे कृष्णा राधे राधे। किशोरी कृपा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपके सवाल का जवाब देने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो इस वजह से, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और फ्रेंड्स, आज का सवाल है जो कि है कई सारे लोगों का कि मैम, आप तो अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाती हो, लेकिन हम अपने ठाकुर जी को हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो किस तरह से उन्हें हम घर पर छोड़ कर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा सवाल है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये होता है कि सब लोग अपने ठाकुर जी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन बताऊँगी। तो सबसे पहले, अगर आप आए हैं मेरे वीडियो पर पहली बार, तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। कान्हा जी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल हो या वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप कोशिश करें कि अपने ठाकुर जी को आप अपने साथ ले जाएँ, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं ले जा सकते हैं तो आपके घर में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में कहीं भी कोई ऐसे लोग हों जो कान्हा जी के भक्त हों, जो उनका पूजन, उनकी सेवा अच्छे से कर सकते हों, तो आप उन्हें अपने ठाकुर जी दे के जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपने घर के पास में जैसे कोई मंदिर होता है, आप वहाँ दे जाएं, तो वहाँ पर ठाकुर जी की आरती, उनका भोग और अच्छे तरह से लगता रहेगा। इससे भी आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। और जब आप वापस आएँ तो अपने ठाकुर जी को अपने घर ले आएँ। अगर फ्रेंड्स ऐसा भी आप नहीं कर सकते, तब आप क्या कर सकते हैं? तो जब आप अपने घर से बाहर जाएंगे तो क्या करना है आपको? आपको करके जाना है कान्हा जी का पूरी तरह से इंतज़ाम। इंतज़ाम कैसा? फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप अपने हाथ जोड़कर अपने गुरु जी महाराज जी से कहकर जाएं कि मैं इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो प्लीज़ गुरु जी महाराज, आप मेरे कान्हा जी का पूरा ध्यान रखें, इनकी ज़रूरतों का आप ध्यान रखें। अगर फ्रेंड्स आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप किसी को अपना गुरु बना लें। जैसे तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, मैं अगर कहीं भी ऐसी जगह पे बाहर जा रही हूँ और जहाँ कान्हा जी को ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहती हूँ अपनी राधा रानी से, दोनों हाथ जोड़कर अपनी राधा रानी से प्रार्थना करें कि मैं इतने समय के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो प्लीज़ राधा रानी, मेरे कान्हा जी की सेवा में किसी तरह की कोई कमी ना हो। आप, पूरा किचन आपका है, पूरा घर आपका है, आप चाहे जो वो खाएं, उनको भोग लगाएं, आप उनका ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप करके जा सकते हैं, आप राधा रानी से विनती करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके जाना है, जिससे कि आपके जाने के बाद आपके कान्हा जी को, आपके लड्डू गोपाल को कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये हैं मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी। तो अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम किस तरह से अब इनके लिए इंतज़ाम करके जाएंगे, अब मैं आपको वो करके बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आप कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इन्हें फ्रूट्स का या इस तरह से मिठाई का भोग दे के जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें मिठाई रखने के बाद इसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें और आप इस तरह से इनको मिठाई का भोग दे के और एक गिलास पानी या जल का लोटा आप इस तरह से रख के फ्रेंड्स और आप जाएं। लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप ऐसे इसको ढक के जाएं, पानी को भी ढक दें और जो भी आपने भोग लगाया है उसको भी आप ढक दें। तो फ्रेंड्स, आपको तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर रख देना है, जैसे मैंने ये रख दिया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि आप जो भी उन्हें फ्रूट्स खाने के लिए दे के जाएंगी, उनको कट करके रख के नहीं जाना है, ऐसे के ऐसे ही बस फ्रूट्स को अच्छे से धो दें और उनके पास रख के और आप जा सकते हैं। और जो भी आप खुला हुआ भोग लगाएंगे, चाहे वो मिठाई हो या कुछ भी, आप उसको ढक के रख के जाएं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको घर से बाहर 2-3 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए आपको बाहर जाना है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो अब आप क्या करेंगे वो आप बड़े ही ध्यान से देख लें फ्रेंड्स, कि आप
उनको कोई भी मिठाई इस तरह से नहीं रख के जाएंगे, और आप कोई भी फ्रूट्स आप नहीं रख के जाएंगे, क्योंकि आप आएंगे 10 दिन में तो हो सकता है कि मिठाई भी ख़राब हो जाए और फ्रूट्स भी ख़राब हो जाएं। तो आपको मिठाई और फ्रूट्स रख के नहीं जाना है, ठीक है। तो अब क्या रख के जाएंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप इस तरह से, जैसे ये मिश्री है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मिश्री है, और आप इस तरह से कोई भी कंटेनर आप छोटे छोटे जो आते हैं आप उन्हें ले सकते हैं फ्रेंड्स, और आप इस तरह से इनको रख दें। इस पे फ्रेंड्स आप इस तरह से कैप भी लगा सकते हैं इसका, और आप इसको बंद करके अच्छे से रख के इसको जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप चाहें तो किसी भी तरह की, आपके पास जो भी मेवा हो, काजू हो, बादाम हो, या कुछ भी हो फ्रेंड्स, जो भी मेवा हो आप उसको भी इस तरह से रख के, और इस तरह से आप इसको भी इस तरह से ढक्कन लगा के आप रख दें, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या आप रख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स गुड़ चना, अब मान लीजिए आपके पास मिश्री नहीं है, गुड़ चना है, तो आप इस तरह से एक कंटेनर में करके उसको भी फ्रेंड्स इस तरह से रख के, और आप इसको भी ढक के जाएं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं ढकने की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घर में कीड़े मकोड़े या चूहे भी होते हैं किसी किसी के घर में, तो वो भोग को झूठा ना करें, क्योंकि जब वो भोग खाएंगे उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा, और उसके बाद आप सब लोग भी जब वापस आएंगे अपने किसी भी तीर्थ यात्रा से या जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ से, तो वो भोग आपको ही ग्रहण करना है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स आप इस तरह से कोई भी बिस्किट के पैकेट हैं या कोई भी ऐसा नाश्ता आप उनके पास इस तरह से रख के जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप ये कर सकते हैं, जैसे आपका मन है कि आप मिठाई रख के जाएं, तो आप इस तरह से पेठा रख सकते हैं। फ्रेंड्स पेठा जल्दी से ख़राब नहीं होता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको भी इसमें भी क्या करना है, इस तरह से आपको खुला हुआ पेठा रख के नहीं जाना है, आपको करना क्या है, आप इस तरह से इसको एक कंटेनर में डाल दें, ठीक है, जितना भी उसमें आए इजीली आ जाए अच्छे से, और बस इसको भी ऐसे कैप लगा के और आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। बाकी का ये आप हटा दें। ऐसे ही फ्रेंड्स आप मूंगफली के दाने रख सकते हैं उनके लिए इस तरह से, लेकिन आपको जो भी भोग उनके लिए रख के जाना है, बस आप ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि वो ढके हुए हों। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मूंगफली के दाने भी इस तरह से आप ढक्कन लगा के और ऐसे भोग के लिए रख जाएं, ठीक है। आप बताशे रख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके घर में चलते समय अगर कोई चीज़ ना हो, तो घर में आपके पास जो भी चीज़ें रखी हैं आप वो रख सकते हैं, जैसे खजूर रख सकते हैं आप मीठे में खजूर रख के जाएं, तो फ्रेंड्स खजूर जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप इस तरह से खजूर रख जाएं एक कंटेनर में करके, या ऐसे ही अगर आपके पास कोई बॉक्स है तो आप इस तरह से इसको ढक्कन लगा के और आप ऐसे रख के जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स कई बार ये भी होता है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो 4 लोग जो हैं उन्हें पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वो किसी तरह की कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं, और जो करता है उसी को अगर घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो वो क्या करे। तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम अपने ठाकुर जी का कैसे ध्यान रख पाएंगे, या फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कई सारे भगवान हैं और हम सभी को बड़े दिल से पूजते हैं, रोज़ उनका मूर्तियों का स्नान कराते हैं, तो अगर हम जाएंगे तो हम अपने कितने सारे भगवान को बाहर देकर जाएं, तो ये भी बात है। तो फ्रेंड्स आपको एक काम ये भी करना है कि आप चाहें जितना भी भोग, आप चाहें जितने भी खाने पीने की चीज़ें अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख जाएं, लेकिन आप जहाँ भी रहें आप मानसिक रूप से उनकी पूजा उनकी सेवा करते रहें। आप जब भी कुछ खाने बैठें आप ठाकुर जी को अपने मानसिक रूप से आप उनको भोग दें, आप उन्हें ऐसे फील कराएं जैसे आप और वो दोनों ही साथ में हैं। बस फ्रेंड्स जाने से पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, सुंदर सुंदर से वस्त्र पहना कर जाएं और उनसे कह के जाएं कि प्रभु जी ये घर भी आपका, ये किचन भी आपका, आप जैसे चाहें वैसे रहें, बस मेरी इन त्रुटियों के लिए आप मुझे क्षमा करें कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा पा रही हूँ। ऐसे करके आप जाएं, आप देखेंगे आपकी यात्रा सफल होगी और भगवान भी आपकी सेवा से बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको ये सब करके बता दिया,
तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब सामान रखेंगे, आपके पास जो भी हो। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल था मैंने आपको उन्हीं सामान से सिर्फ आपको तरीका बताया है। आप उसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको मिठाइयाँ या फल फ्रूट आपको नहीं उनके पास रख के जाना है, हो सकता है कि वो चीज़ें ख़राब हो जाएं। और आपको एक लोटा जल तुलसी पत्र डाल के और वो भी ढक के आपको अपने मंदिर में ज़रूर रख के जाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।